मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार कर। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी एवरग्रीन के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे साल 1993 में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर प्रेम कहानी फिल्म डर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किरण अपने बॉयफ्रेंड सुनील का भेजा हुआ लव लेटर पढ़ रही है। तभी अचानक से बारिश आ जाती है। किरण के सारे कपड़े भीग चुके थे और वो अपने कपड़े उतारकर उन्हें निचोड़ना चाहती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। किरण अपने घर से दूर शिमला में पढ़ती है। उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। उसे लगता है ये गाना उसका बॉयफ्रेंड सुनील गा रहा है। किरण सुनील को हर जगह ढूंढ लेती है, लेकिन उसे सुनील कहीं नहीं दिखाई देता। किरण का कॉलेज खत्म हो चुका है और वो अपने घर जा रही है। सुनील एक नेवी ऑफिसर है। उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें उसे एक चीफ मिनिस्टर की बेटी को कुछ गुंडों से बचाना होता है। सुनील अपनी जान पर खेलकर उस बच्ची को बचा लेता है। सुनील और उसकी यूनिट की जीत की खुशी में उसकी पूरी यूनिट को एक महीने की छुट्टी दे दी जाती है। किरण अपने कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही कबर्ड खोलती है तो देखती है कि सुनील कबर्ड में खड़ा हुआ है। फिर किरण सुनील से पूछती है कि जब तुम शिमला आए थे तो मुझसे मिले क्यों नहीं। तो सुनील साफ मना कर देता है कि मैं शिमला आया ही नहीं था। तो फिर किरण कहती है फिर वो कौन था। और फिर दिखाया जाता है राहुल को, और ये वही इंसान है जिसने शिमला में किरण के लिए गाना गाया था। सुनील किरण को एक फ्लैट में लेकर आता है और किरण को बताता है कि हम शादी के बाद यहीं रहेंगे। अगले दिन सुबह किरण के घर एक कोरियर आता है जिसमें उसके बहुत सारी फोटोग्राफ्स होती है। किरण उन्हें देखकर कहती है कि ये फोटो मैंने कभी खिंचवाए ही नहीं। इधर राहुल फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारी बहू किरण ही बनेगी। राहुल के पापा ऐसा करते देख घबरा जाते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ 17 साल पहले ही मर चुकी है और वो फोन पे अपनी माँ से बात कर रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। इधर राहुल हर वक्त किरण का पीछा करता है। राहुल किरण को सुनील से मिलता देखकर बहुत जलस हो जाता है। वो किरण को फोन करके कहता है कि अगर तुमने सुनील से मिलना नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। किरण के भैया भाभी बैठकर डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो, वो खुद ही चुप बैठ जाएगा। सुनील जब ड्यूटी पर होता है तो राहुल उससे मिलने जाता है। वो कहता है कि वो कैप्टन मेहरा का बेटा है जो सुनील के ऑफिसर हैं, और वो सुनील से बातों ही बातों में दोस्ती कर लेता है। राहुल अपनी माँ से फिर से बात करता है और बोलता है कि सुनील अच्छा लड़का है, लेकिन मैं तब तक उसे कुछ नहीं करूँगा जब तक वो मेरे और किरण के बीच में नहीं आएगा। राहुल जब अगली बार किरण को फोन करता है तो सुनील उससे कहता है कि उसे कहीं मिलने के लिए बुलाओ। किरण राहुल को एक कॉफी शॉप में बुलाती है। राहुल सुनील को देख लेता है और किरण से बिना मिले ही चला जाता है। राहुल फिर से फोन करता है और कहता है कि वहाँ पर सुनील पहले से ही मौजूद था, अब इसका अंजाम तुम भुगतोगी। किरण को चैलेंज करता है कि कल मैं तुमसे सबके सामने मिलूंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। अगले दिन सब लोग होली का जश्न मना रहे होते हैं। तभी राहुल ढोल बजाने वालों की टोली के साथ आ जाता है। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सिर्फ ढोल वाले ही वहाँ पे बचते हैं। किरण जैसे ही राहुल को बख्शीश देने जाती है तो राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा, और उसे रंग लगाकर तेजी से भाग जाता है। किरण की चीख की आवाज सुनकर सुनील और उसके परिवार वाले दौड़ कर आते हैं। सुनील राहुल का पीछा करता है। पीछा करते हुए वो राहुल के सर पे एक बोतल देके भी मारता है जिसकी वजह से राहुल के सर पे चोट लग जाती है। राहुल आकर देखता है तो उसके सिर में काफी चोट लगी है और ब्लड भी निकल रहा है। राहुल कहता है सुनील तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ेगा। किरण और सुनील राहुल के पापा को अपनी शादी का कार्ड देने जाते हैं। राहुल वो कार्ड देखकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और कहता है कि नहीं किरण, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती है। किरण की भाभी किरण और सुनील
शादी की शॉपिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पे राहुल आता है और सुनील पर गोली चला देता है। सुनील राहुल को भागते हुए देख लेता है और राहुल का पीछा करने लगता है। सुनील राहुल को पकड़ ही लिया होता है कि तभी एक गाड़ी आती है और सुनील को टक्कर मार देती है और इन सब का जिम्मेदार किरण अपने आप को समझने लगती है। किरण फैसला करती है कि वो कहीं दूर चली जाएगी जिससे सुनील की जान को खतरा ना हो, और वो स्टेशन पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है और वो कहता है कि एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त मुझसे शादी कर लो, और वो दोनों पासी के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। राहुल को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने चेस्ट पे चाकू से किरण का नाम लिख लेता है और कसम खाता है कि इसी चाकू से वो सुनील को मार डालेगा। सुनील किरण को हनीमून पे गोवा लेकर जा रहा है। राहुल एयरपोर्ट के रिसेप्शन पे जाकर पता कर लेता है कि वो दोनों कहाँ गए, और इधर सुनील किरण से कहता है कि हम लोग गोवा नहीं स्विट्जरलैंड जाएंगे और इस बार हम उसे बेवकूफ बना देंगे। राहुल गोवा पहुंचकर हर होटल में जाकर उन दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन राहुल को उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। गोवा में ही उसे अपने एक दोस्त विकी से मुलाकात हो जाती है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। विकी राहुल से कहता है कि तुमने जो लेटर किरण को लिखे थे वो सब आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। विकी पूछता है कि तुमने किरण को अपने प्यार के बारे में बताया या नहीं, तो राहुल कहता है छोड़ो ये सब बातें। सुनील और किरण स्विट्जरलैंड में अपना हनीमून एंजॉय कर रहे होते हैं। राहुल किरण के भैया भाभी के घर पहुंच जाता है और बताता है कि वो सुनील का दोस्त है और उनसे उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भैया भाभी कहते हैं कि नहीं, सुनील ने हमें कसम दी है, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। राहुल घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि विकी का फोन आया था, बहुत अर्जेंट है उसके लिए। राहुल विकी के घर पहुंचता है तो देखता है कि विकी बहुत बीमार है। विकी कहता है कि तुम्हारी कुछ अमानत मेरे पास रखी है, तुम उसे ले जाओ। विकी बहुत ही दर्द में है, वो राहुल से कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, तुम मुझे किसी भी तरह से मार दो जिससे मैं इस जिंदगी से आजाद हो जाऊँ। राहुल विकी को फांसी लगा देता है और आसपास सारे लव लेटर्स और किरण के फोटो बिखेर देता है और साथ में एक सुसाइड लेटर भी लिख देता है जिसमें लिखता है किरण तुम मेरी नहीं हो सकी इसलिए मैं अब मर रहा हूँ। राहुल फिर से किरण के भैया भाभी के घर जाता है, तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो किरण के पीछे बंदा लगा हुआ था उसने आत्महत्या कर ली है। राहुल किरण के भैया भाभी को कहता है कि आपको ये खुशखबरी सुनील को बतानी चाहिए। तभी किरण के भैया कहते हैं कि स्विट्जरलैंड फोन लगाया जाए किरण के पास, और गलती से नंबर भी राहुल को बता देते हैं, और ये खबर सुनने के बाद किरण बहुत ही खुश होती है। किरण जब सुनील को ये बात बताती है तो सुनील को यकीन नहीं होता है, वो कहता है कि इतनी आसानी से वो बंदा कैसे मर सकता है। किरण एक गिफ्ट शॉप से दो वॉच खरीदती है जो एक दूसरे से कनेक्ट है, एक वॉच की बटन दबाने पे दूसरे वॉच पे आवाज होगी। इधर राहुल सुनील से फिर से टकराता है और सुनील उसकी मुलाकात किरण से करवाता है कि ये मेरी वाइफ है। तो किरण सुनील से कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, ये मेरे कॉलेज में था। किरण बताती है कि कॉलेज में राहुल के बारे में एक बात बहुत ज्यादा फैली हुई थी कि ये किसी लड़की पे क्रश रखता है, लेकिन कभी उस लड़की को बता नहीं पाया। एक दिन राहुल होटल आया हुआ था सुनील और किरण से मिलने, तभी किरण के भाई का फोन आता है कि यहाँ उसका एक जानने वाला दोस्त मिल गया है जिसका नाम राहुल है। तो किरण के भैया कहते हैं कि राहुल तो हमसे भी मिलने दो बार आ चुका है। उनकी बातें सुनने के बाद सुनील को राहुल पे थोड़ा शक होता है और वो अपने साथ अल्कोहल ले जाता है उसे पिलाने के लिए ताकि वो सच्चाई बाहर निकलवा सके। किरण सोने चली जाती है और वो दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। राहुल कुछ बताता नहीं है, लेकिन सुनील को राहुल की बातों से उसका इंटेंशन पता चल जाता है। सुनील राहुल से कहता है कि एक काम करो, तुम्हारा होटल यहाँ से बहुत दूर है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, और राहुल उसी होटल में सो जाता है। सुनील किरण को उठाता है और कहता है कि एक काम करो, तुम वोट पे पहुँचो, मैं कल तुमसे वहीं मिलता हूँ। सुबह जब राहुल की आँख खुलती है तो उसे एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत है और घर में कोई भी नहीं है, तो वो वहाँ से भागने लगता है। वो दौड़ता दौड़ता पासी के एक जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर सुनील पहले से ही मौजूद होता है और पूछता है कि तुम वही हो जो आज तक किरण को परेशान कर रहे थे। तो राहुल कहता है कि हाँ मैं वही हूँ,
और सुनील उसे पीटना शुरू कर देता है। राहुल सुनील के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। सुनील का ध्यान भटकते ही राहुल सुनील को चाकू से उसके पेट में दो बार वार कर देता है। सुनील वहीं पे मर जाता है। राहुल किरण के पास वोट पे पहुंच जाता है और कहता है कि तुम अब बिल्कुल आजाद हो गई हो, मैंने सुनील को मार दिया है। किरण ये सब मानने से इनकार कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। राहुल किरण पे हाथ उठाता है और उसे एक साड़ी देता है और कहता है कि जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम अभी शादी करेंगे। इधर राहुल शादी की तैयारी में लगा हुआ था। किरण मौका देखते ही उस वोट की चाबी लेकर नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। राहुल गेट खुलवाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन किरण गेट नहीं खोलती है। काफी रात बीत चुकी थी, तभी किरण की वॉच से आवाज आती है तो वो समझ जाती है कि सुनील जिंदा है और यहीं आसपास है। राहुल दरवाजा तोड़ देता है और किरण को जबरदस्ती ऊपर लेकर आता है शादी करने के लिए। किरण अपनी बातों से राहुल को फंसाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हम हिंदुस्तान जाकर शादी करेंगे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम अभी शादी करेंगे। फिर वो कहती है कि ठीक है, पर ये बारिश रुक जाने दो। राहुल किरण के साथ जबरदस्ती कर ही रहा होता है कि तभी सुनील वहाँ पे आ जाता है। सुनील और राहुल में काफी फाइट होती है। लास्ट में सुनील अपनी बंदूक निकालता है और राहुल को एक के बाद एक कई गोलियां मारता है। मरने से पहले राहुल किरण से कहता है कि तुम मुझसे नफरत मत करना, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, तुम्हारे प्यार के लिए जीना और तुम्हारे प्यार के साथ मर जाना। इसके बाद राहुल मर जाता है। किरण और सुनील इंडिया पहुंच जाते हैं और इसी के साथ डर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फिल्मी एवरग्रीन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।